गुड मॉर्निंग। आज 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती की शुभकामनाएं सबको। और आज पंडाल का पट भी खुल गया है, तो आज जाएंगे हम लोग, दर्शन करेंगे और दिखाएंगे कहाँ कहाँ कैसा पंडाल लगा है। तो बने रहो ब्लॉग में, देखते हैं आगे कौन कौन सा पंडाल है, कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो आज पूरा नाइट का व्यू रहेगा अच्छा, तो पूरा वीडियो जरूर। हैप्पी नवरात्रि। और आज तो ऑफिस खुला है मेरा, पूरा नवरात्र खुला रहेगा, थोड़ा टाइम कम देंगे, टाइम कम क्या पूरा देना है। और शाम को घूमने निकलते हैं, दिखाते हैं ऐसे कौन कौन सा पंडाल लगा है। मेला घूमने अपने पापा सब देखो, हीरो का कपड़ा, हीरो का पैंट, हीरो का चश्मा भी है मेरे पास। चलो बढ़िया से घूमना मन लगा के। तुम भी घूमना मेला। हमको नहीं ले चलेगा बाबू। अरे मैं तो ही अपनी गाड़ी बैठ पाऊंगी। बाय बाय, टाटा। ये हम पोस्टल बाग चौराहा से निकल चुके हैं। एक्चुअली साउंड ऊपर से डालना पड़ रहा है, कहें कि मार्केट इतना बड़ा बड़ा बॉक्स लगा था कि मेरा साउंड आने का जरूरत ही नहीं। काफ़ी क्राउड और डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत है, ऊपर में लाल ग्रीन लाइट्स वगैरह सब लगा हुआ। तो देखो देखो, ये हमारे चैटर पुल के पास एक पंडाल है, काफ़ी भव्य मंदिर। आँख देखो माँ का, वाह भयंकर है ना। और ये बस अगल बगल दो लगता है, ये सेकंड वाला है। ये हमारा चैटर पुल पे दुर्गा मंदिर, ये हमारा बहुत पुराना मंदिर है, एकदम चैटर पुल के जो नीचे वही मंदिर है। डेकोरेशन है काफ़ी खूबसूरत, सजा धजा। और ये चैटर पुल क्रॉस करके स्टेशन की तरफ टर्न किया, यहाँ एक मंदिर है। तो इस पंडाल के अंदर भी मैं गया और आशीर्वाद लिया, वो भी देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एकदम जस्ट बगल में था एक, काफ़ी छोटे छोटे बहुत से पंडाल हैं। ये मैं जगह दर्शन माँ का, सबकी कृपा करो माँ, बोलो अम्बे माँ देखी जय। पंडाल काफ़ी भरा पड़ा है, ये डेकोरेशन जो लोग करने आते हैं ना पता नहीं कहाँ के, पर वंडरफुल। ये डक बंगला पे मैं लाइव था, आप यूट्यूब पर लाइव चेक कर सकते हो, मैं ये डक बंगला पे पूरे टाइम लाइव था। जहाँ से एंट्री किया वहाँ से लेके फिर पंडाल के अंदर भी गया डक बंगला पे, तो वहाँ भी लगता है। ये हमारा बुर्ज खलीफा, शुरू में पहचान ही नहीं पाया क्या है, लाइव में आप देखोगे तो सुनोगे, लाइव इसी वीडियो में, सॉरी इस वीडियो में नहीं, इस चैनल पे आप देख सकते हो। और इंस्टा पे भी लाइव था, दोनों पे एक साथ। तो ये काफ़ी खूबसूरत हर जगह, आज ये गेट गिर चुका है, जब ये वीडियो आ रहा है ना ये गेट गिर चुका है, आप न्यूज पे देखे होगे, ये जो गेट है ये गिर चुका है आंधी तूफान की वजह से। फिर लगा हुआ कारीगर, देखो क्या होता है, वीडियो आएगा तब तक मे भी उम्मीद है खड़ा हो जाए फिर से। भव्य तरीका से तैयार हुआ है, हम पटना में बुर्ज खलीफा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा अभी 8 ही फ्लोर है, फिर बनेगा धीरे धीरे और भी फ्लोर। मैं लाइव था यहाँ से, और आप लाइव में सुन लो ना, जरूर देखना जाके लाइव इस वीडियो के बाद अगर नहीं देखा हो तो, क्योंकि लाइव तो उसी दिन आ गया था। ये वीडियो में भी 8वीं या 9वीं को अपलोड हो। ये हमारे स्मार्ट कनेक्ट के कनेक्टर बहुत अच्छे मित्र हैं, और इनका स्मार्ट कनेक्ट चलता है, इंटरनेट सर्विस हमारे घर के पास में ही, हमारे लाइब्रेरी में इन्हीं का कनेक्शन। ये भी अपने गोप्रो लेके लगे हुए हैं, इनका भी कोई चैनल है स्मार्ट टेक करके, शायद 25-50 हज़ार सब्सक्राइबर इनके पास भी है। और हम लोगों ने काफ़ी बातें की, आप वो लाइव में सुन सकते हो। और ये देखो हम लोग लाइव में खूब गप्पे मार रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेडी बातें हुई हमारी। श्याम नाम इनका, श्याम मिश्रा करके। और ये जो पंडाल, यहाँ इंटरेस्टिंग पंडाल है, यहाँ जो मूर्ति नहीं है, लड़कियाँ बैठी हुई यहाँ पे। और ये काफ़ी सज धज के 10 मिनट के लिए खुलता है, 10 मिनट ब्रेक रहता है इनका, और पूरा सजा धजा रहता है, लगता नहीं है दिमाग तक नहीं झपकता इनका, कंटिन्यू बैठे हुए रहते हैं लोग रात के 2-3 बजे तक कंटिन्यू ऐसे। ये लोग हैं, ये जिंदा इंसान है जिनके अंदर जान है, कोई मूर्ति नहीं है, एकदम डेकोरेशन देखो सच दस के काफ़ी खूबसूरत है। ये गणेश जी, दुर्गा माँ, लक्ष्मी, सरस्वती और भी कोई भगवान है अगर। ये वन मॉल हमारा, ये हरी निवास भी चक चक है।
ये अपना GoPro लेके लगे पड़े हैं। ये मैं भी लगा पड़ा हूँ, मैं भी लाइव में खूब मस्ती मजाक कर रहा हूँ, लाइव से रिकॉर्ड किया। मेरा खुद का चैनल है ना भोकाल न्यूज, उसका प्रेस आईडी मैं यूज करता हूँ, उसका एडमिनिस्ट्रेटर अभी मैं ही यूज कर रहा हूँ, मैं ही चलाता हूँ। अगर गाना बीच में म्यूट दिखे तो समझ जाना कॉपीराइट की वजह से गाना म्यूट कर दिया। ये हमारा भव्य पंडाल और ये काफ़ी खूबसूरत है, मैं इसका अंदर देखता हूँ, दिखाता हूँ। ये मैं शायद ये बाहर हूँ इस गेट के साइड, दूसरे वाले राइट साइड में, और काफ़ी खूबसूरत पंडाल बना हुआ है और ये महिला अनाउंसमेंट कर रही है। ये कैमरा में बड़ा सा, और घूमते घूमते लग गया था भूख, तो सोचे कि चलो कुछ खाते हैं। तो लोकल वेंडर को, जैसा कि मैंने बताया पहले वीडियो में बताया था कि सपोर्ट करना है, तो लोकल वेंडर ढूंढना हमने, और चाट लोकल वेंडर ढूंढना क्या, सब जगह लोकल ही थे, और चाट खाया। मेरे साथ कुछ मेरे लोग थे तो उनको भी खिलाया। ये इमली का पानी, मुँह में पानी आ गया। ये दही, नवरात्रि का याद था लेकिन फिर भी गलती से प्याज डाल दिया, अब याद नहीं था, खा के भी नहीं याद आया मुझे, तो धर्म तो नष्ट कर ही लिया था मैंने। लेकिन टेस्ट चाट काफ़ी अच्छा था, इसलिए तो भूल गया, गलती हो गया, तो जो गलती से खा ले उसको गलती नहीं बोलते, उसमें पाप नहीं होता है ना। ये यहाँ से भी लाइव था, मैं ये स्टेशन के पास काफ़ी खूबसूरत पंडाल था ये, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का भी पंडाल है। आप, मैं डकमंगला वाला लाइव इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लाइव अलग है, वीडियो बड़ा हो जाता है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। डकमंगला पंडाल के अंदर मैंने पूरा भीड़ दिखाया कि कितना क्राउड है, पटना शहर रोड पे आ गया था पूरा, वो ज़रूर देखना। ये पंडाल मैं हूँ, जब 100 साल पुराना ये पंडाल है, 100 साल से बन रहा है कंटिन्यू। वीडियो और वीडियो को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, डकमंगला का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, स्पेशल ब्लॉग है, और भी आने वाले ब्लॉग को देखेंगे आप लोग। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए, और बोले अंबे मात की जय। थैंक यू ब्लॉग पाने के लिए, और नेक्स्ट ब्लॉग आ रहा है जल्दी, सारे ब्लॉग देखिए आप लोग, और जो नहीं देखा पहला ब्लॉग वो भी देखिए। थैंक यू।